नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर 2 भाग 4 के भारतीय राजनीति और संविधान के बेस्ट बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो टॉपर्स नोट्स है बीपीएससी का, इसमें आपको कुल मिला के 11 नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये नोट्स उपलब्ध है दोस्तों, और 3200 रुपये MRP है दोस्तों। इसमें कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा और आपको अलग से नोट्स आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही फोकस्ड एक स्टडी मटेरियल है, जिससे आप बीपीएससी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये टॉपर्स नोट्स है दोस्तों बीपीएससी का, भारतीय राजनीति और संविधान। ये जो नोट्स होते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं दोस्तों सभी, ये लेटेस्ट एडिशन है। और ये जो नोट्स होते हैं दोस्तों, टॉपर्स के द्वारा और जो इनके एक्सपर्ट होते हैं, बीपीएससी के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा मिलकर इस नोट्स को तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इनके सभी नोट्स के अंदर। सबसे पहले दोस्तों हम भारतीय राजनीति और संविधान के विषय सूची को देखें, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले भारतीय संविधान की मूल विशेषता, प्रस्तावना, संविधान की मुख्य विशेषता, संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार, राज्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, संविधानिक संशोधन हो जाएगा, संविधान की मूल संरचना, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आपातकालीन प्रधान, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद, उसके बाद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक निकाय। उसके बाद दोस्तों गैर संवैधानिक उपाय, अन्य संवैधानिक आयाम, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, निर्वाचन, सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे टॉपिक को अरेंज किया गया है सिस्टमैटिक ऑर्डर में। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं नंबर ऑफ पेज के बारे में, तो इस बुक में आपको नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिल जाएंगे, 225 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक QR कोड देखने को मिलेगा, जिससे इस टॉपिक के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन पे जाके। ये इनके एप्लीकेशन का QR कोड दिया हुआ है, हर एक बुक में आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा। इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से जो फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, डाउट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, कमज़ोर टॉपिक का विश्लेषण मिल जाएगा, टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों चैप्टर 1 को देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल विशेषता। यहाँ पे जो भी कुछ भी आप दोस्तों देखेंगे बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड इन्होंने कर दिया है, ठीक है, जिसपे आपका ध्यान आसानी से जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे संविधान के कार्य, उसके बारे में बताया गया, एक QR कोड आपको देखने को मिलेगा, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो इनका वीडियो लेक्चर या एक्स्ट्रा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जो कुछ भी दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हर एक टॉपिक को अरेंज किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। आपको अलग से कुछ भी नोट्स तैयार नहीं करना होगा, ये एक प्रॉपर नोट्स है। अंतिम समय में आप आराम से इस नोट्स से तैयारी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट्स है दोस्तों, काफ़ी कुछ इसे नोट्स में ध्यान में रखा गया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से इनके नोट्स के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की कार्य प्रणाली, हर एक टॉपिक के बाद आपको QR कोड देखने को मिल जा रहा होगा, QR कोड से आप इन टॉपिक को और भी डिटेल में समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से इनके वीडियो के माध्यम से, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का ये यहाँ ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो हाईलाइट भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। आपको कुछ भी हाईलाइट करना नहीं होगा, सारा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब जो काम का है वही चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अगला एक्सरसाइज है प्रस्तावना, प्रस्तावना में सबसे पहले संविधान का जो उद्देशिका है उसको बताया गया है, उसके बाद जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताया गया है, प्रस्तावना के मूल तत्व बताया गया है, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल देखने को मिल जाएगा, उससे रिलेटेड QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद संविधान की मुख्य विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या विशेषता है, कौन से देश से संविधान का कौन सा हिस्सा को लिया गया है, ठीक है। संविधान के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया है, हर एक टॉपिक के बाद में एक QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों,
ठीक है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज है संघ और उसके क्षेत्र, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने दिया हुआ है संघ और उसके क्षेत्र, आर्टिकल 2 मतलब सारे आर्टिकल को समझाया हुआ है, ठीक है। QR कोड भी आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद राज्य और केंद्र के शासित प्रदेशों का विकास है, भारत बांग्लादेश से भूमि सीमा का समझौता, सारा कुछ आपको बहुत ही मतलब सिंपल वे में समझाया गया है, बहुत लंबा नहीं खींचा गया है, बहुत शॉर्ट में आपको काफ़ी कुछ समझा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नागरिकता आता है, तो नागरिकता में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, हर एक आर्टिकल को समझाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया दोस्तों, ठीक है। नागरिकता और संविधान संशोधन टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप दोस्तों देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया गया है, और हर एक टॉपिक के बाद में आपको QR कोड आपको देखने को मिलेगा, पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस बुक के को देखने के बाद दोस्तों आपको अलग से कुछ भी आपको स्टडी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा NCERT का निचोर है, मतलब NCERT जो है ना, आपको अलग से NCERT आपको नहीं पढ़ना होगा, नोट्स दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक फैक्ट है उसको इस तरह से टेबल में दिया गया है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसको इस तरह से टेबल में घेर कर दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही पूरा का पूरा बुक दोस्तों ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और आपको अलग से कुछ भी नोट्स नहीं बनाना है। इस बुक को अगर आप कर लेंगे तो आपका तैयारी किसी भी BPSC के एग्ज़ाम के लिए आसानी से आप तैयारी कर लेंगे, और ये जो नोट्स आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम वाइज आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस नोट्स को आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। सारे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए कितने अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके माइंड मैप के थ्रू ये समझाया गया है सारा टॉपिक, उससे रिलेटेड QR कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस तरह से टेबल में दिया गया, इम्पॉर्टेंट डेटा को इस तरह से टेबल में सजा के दिया गया है ताकि आप इन्हें ध्यान आपका यहाँ पे जाए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह से इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको इस नोट्स के अंदर देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस नोट्स से को रीड करने के बाद। ये एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल आप बोल सकते हैं, टॉपर्स नोट्स का ये स्टडी मटेरियल है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे बुक होते हैं टॉपर नोट्स के, ठीक है। ये एक तरह का नोट्स है जो कि आपको जो आप बुक से बनाते हैं ना, जो नोट्स से मोटे मोटे बुक को आप स्टडी करते हैं, उससे अच्छा आप इस नोट्स को स्टडी कीजिएगा तो आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस नोट्स के माध्यम से। बुक में दोस्तों कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्रिंटिंग क्वालिटी पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, कंटेंट बहुत ही ज़्यादा शानदार है, पूरा का पूरा बुक ओवरऑल बुक अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बुक है। इस बुक को दोस्तों आप ज़रूर परचेज कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।